ये सिर्फ इनको जो सूट करता है उसको दिखाते हैं। बिल्कुल मैम, बाढ़ आया है, कोरोना है न्यूज में, उसको छोड़ करके रोज सुशांत सिंह को दिखाते हैं। अरे सर, कोई जानना चाहता पीसीआई के पास इंक्वायरी, पूरे दिन 24 घंटे वही न्यूज दिखाओगे क्या जनता को? बिल्कुल। अच्छा दूसरी आप ऐसे खर्च किया इस पार्लर में, खर्च क्या लेना देना उससे, किसको किसका बिहारी का भला होने वाला है या देश की किस जनता का उसको जानने से भला हो जाएगा? हेलो, हाँ नमस्ते मैडम, हम आशा पांडे बोल रहे हैं, उत्क्रमित शिक्षक न्याय मोर्चा की अध्यक्ष। बताइए। ये जानना था मैडम कि क्या आप लोगों का अभी जो बिहार का चुनाव इलेक्शन है उसमें आपके मैनिफेस्टो में शामिल रहेगा स्वाफ सेम वर्क टेम पे? हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ कि क्या आपके मैनिफेस्टो में शामिल रहेगा हमारा पूर्ण वेतन मान? बिल्कुल, हम लोग की पार्टी हमेशा आवाज उठाती रही है इस बात की। नहीं मतलब मैनिफेस्टो में शामिल रहेगा क्योंकि शिक्षक समुदाय पूरा इस बार आरजेडी के साथ है। तो ये वाला कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि नहीं, कहीं एक तो अभी नया अभी पर विधानसभा वाला हुआ है तो उसमें चेक करवाना पड़ेगा हमको कि ऐड है कि नहीं है, मेरे हिसाब से ऐड होना चाहिए। तो यदि आपके मैनिफेस्टो में यदि सम्मिलित रहेगा मैडम तो पक्का है कि पूरा हम लोग 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है इस बार आरजेडी के ही पक्ष में वोट करने का हम लोग निर्णय लिए हैं, और केवल हम लोग 4.5 लाख ही नहीं है उसके साथ हमारे बच्चे और हमारा बिल्कुल बिल्कुल सगे संबंधी भी है, क्योंकि इन दोनों ने नीतीश और मोदी ने हम लोग को इतना ठगा है और इतना रुलाया है कि अब दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि ये लोग को नहीं, नहीं ये लोग को लगता है कि लोग तो बेवकूफ है ना। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज्यादा अहंकारी आ रहे हैं, अहंकारी हो गए हैं और क्या बोले बद दिमाग और बहुत ही बेहुदा तरह की बातें उन लोग कर रहे हैं हम शिक्षकों के प्रति, तो ये बर्दाश्त के बाहर हो गई है जिसके कि अब हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट आपसे ही बात करना चाह रही थी कि क्या आपके मैनिफेस्टो में सम्मिलित होगा, क्योंकि और अभी मतलब जैसा कि पिछला लोग बोलते कि 15 साल का याद कीजिए जंगल राज, हम बोले ये युवा पीढ़ी है। हम लोग देखिए अपने तरफ से, क्योंकि जो 15 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस समय उससे नहीं। एक मिनट, उस 15 साल में 6 यूनिवर्सिटी झारखंड और बिहार एक था, 6 यूनिवर्सिटी, 7वां यूनिवर्सिटी आप शिक्षा मतलब आप शिक्षिका रही हैं, तो आप जरा बताइए कि 8वां यूनिवर्सिटी कहाँ पे है बिहार में? वही ना, उसके अलावा दूसरा जो प्रोफेसर की बहाली हुई जिसके भरोसे आज शिक्षा है जी, उसके बाद कोई प्रोफेसर की बहाली किसी ने बता दी? नहीं हुई ना, बताइए 15 साल जब नहीं हुई शिक्षा। अच्छा, बनाया हुए 15 साल है, कुछ चंद मीडिया के लोगों ने 15 साल का हवा दिखाया, क्या होता था 15 साल में? रोज आज लूटमार, आप टीवी न्यूज चैनल आप खोल करके देखिए और अखबार खोलिए, सुबह से लेकर के रात तक कितने गोली मार रहे हैं लोग, मर्डर कर रहे हैं और कितने जगह हो रही है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग सरकार की, गरीबों की सरकार की, तो वो जंगल राज। बिल्कुल बिल्कुल, और तेजस्वी जी से हम लोग एक बच्चे का फिर मीडिया ऐसा हवा बना देता है कि सरकार को लोग बदल देते हैं जी, यही बेवकूफी ना, हम कह रहे जनता को बेवकूफ बनाना से जिनको आता है और कुछ नहीं आता है। नहीं मैडम देखिए, जनता के साथ बेवकूफ है इसीलिए ये लोग एरोगेंट हैं जी, जनता जनार्दन है, अभी जनता जनार्दन है, और हम लोग का बस ये है कि ठीक है जिसके जेहन में जो है सब कोई को इस लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, कोई यदि उस 15 साल को कुछ गिनती कर रहा, कोई उस 15 साल को कुछ बहस करे ना, 15 साल को हमसे बहुत तरक्की नहीं करता है, आए कहीं भी बुला ले गांधी मैदान में डिबेट करा ले जरा, बोले ना जी, जी वही बात है, तो उसको लेकर के फिर दूसरा उन लोग हवाला देते हैं कि सेकुलरिज्म, नहीं नहीं कहते हैं ये लोग उन्होंने सड़क बना दी, अरे सड़क किसके पैसे से बना दी? यूपीए में जब हमारी सरकार थी, हमारे मंत्री थे, उन्होंने जब पैसे भेजना शुरू किए तो वो पैसे से वो सड़क बना। मोदी सरकार अभी इतने दिन से कौन से सड़क के लिए पैसे कहाँ कहाँ आई है जरा बता दे, तो कहाँ कहाँ जाल बिछाया इन लोगों ने और कैसा इन लोगों ने सड़क बनाया, पुल बनाया, आपके टेलीविजन पर रोज दिखता है, उद्घाटन हुआ नहीं उधर, बट पर्दा उठता नहीं है और
आपका स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत सारा वो जो और हम लोगों ने कहीं एक गली में भी सड़क बनाया होगा ना गांव में, पास तक वैसे ही होगा, कोई स्वस्थ नहीं हुआ होगा। जी जी, दूसरा फिर से कुलेरिज्म को लेकर के बात करते हैं लोग, तो हिंदुत्व हमारा कभी खतरे में नहीं आ सकता है। लोग कहते हैं कि उल्लू सेकुलरिज्म की बात करते हैं फलना टिकना, जब जब अकेले अकेले उंगली खड़ी रहेगी ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो ना, तोड़ देगा कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, क्या ये लोग को समझ में आता है, खाली मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल, वही समझते हैं ये लोग, नहीं नहीं। और अभी के पीढ़ी एक अकेले उंगली से आप 5 लीटर का डब्बा भी नहीं खिसका सकती हैं। बिल्कुल मैम, जब वही हाथ के पांचों उंगलियां इकट्ठे आते हैं, सेकुलरिज्म का लोग को मतलब क्या समझ में आता है। बिल्कुल मैम, दूसरी बात यह है कि अभी आने वाली पीढ़ी को हम तो ये शिक्षा ही नहीं देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग, हम सब हिंदू हैं, हम लोग भारतीय हैं, यहाँ रह रहा है तो यहाँ पैदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल, कोई राजनीति के लिए अपने लिए इस्तेमाल करे वो अलग बात है। बिल्कुल, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो किसी कास्ट का हो। जी बिल्कुल मैम, तो बस मेरा वही। हम और आप कौन होते हैं किसी को मतलब ये बताने के लिए कि एक इतना कोरोना हो गया ना, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ना। जी, बिहार की स्थिति देखिए मैम, बिहार राम मंदिर, भगवान नहीं कह रहे कि मेरी मंदिर बनाओ, उसके लिए उतने पैसे आ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके मतलब एग्री करती हूं, उसके खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है कि राम का मंदिर ना बने, बने बनाइए, आपका एजेंडा है आप बनाइए। बिल्कुल, लेकिन एक मंदिर बनाइए तो आप 10 हॉस्पिटल भी तो बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो किसी देश का विकास संभव नहीं है, किसी राज्य का विकास संभव नहीं है। इसलिए आप टीचर्स का भी देखिए ना, जो हमारे टाइम के जो जो स्टूडेंट आप लोग जो वो लोग परमानेंट थे और क्या पढ़ाते थे, और आजकल के क्या पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। बिल्कुल, चलो तो इस बात का था कि टेलीविजन पे दिखा देता कि बिहार के टीचर, लेकिन लेकिन उसी में बिहार में मतलब काबिलियत नहीं है और पढ़े लिखे नहीं मैम, लेकिन उसी में देखिए अच्छे को क्यों नहीं दिखाता है, जो कि बिहार में आज 15 टीचर टीचर को अभी हम देखे कहीं की एक टीचर बेचारी वो मास्क का तरीके से वो पढ़ा रही थी, कैसे बच्चों को बिल्कुल मैम अभी क्यों नहीं तुम लोगों ने दिखाया है 10 बार 50 बार। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और वैसे और टीचर्स इनकरेज होती और वो अपने बिल्कुल बिल्कुल मैम बेचारी बिल्कुल, और 15 टीचर मैम अभी बीपीएससी ये 2-3 साल में निकाले हैं, तो आखिर ये नियोजित टीचर ही निकाले हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाते हैं, आप कहाँ कहाँ का एरा गया है, मतलब ये सिर्फ इनको जो सूट करता है उसको दिखाते हैं। बिल्कुल मैम, बाढ़ आया है, कोरोना है, न्यूज में उसको छोड़ करके रोज सुशांत सिंह को दिखाते हैं। अरे सर, कोई जानना चाहता है पीबीआई के पास इंक्वायरी, पूरे दिन 24 घंटे वही न्यूज दिखाओगे क्या जनता को। बिल्कुल, अच्छा दूसरी मैम, यहाँ पैसे खर्च किया इस पार्लर में खर्च, क्या लेना देना उससे, किसको किसका बिहारी का भला होने वाला है या देश की किस जनता का उसको जानने से भला हो जाएगा। बिल्कुल मैम, देखिए अभी चला जाएगा, अभी जो चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि मैंने नियोजित शब्द का कभी हमारी पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया है, और यही वैशाली के धरती से इन्होंने कहा है पकड़ रहे सबको जेल भेजो जेल भेजो नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये परशुराम तो है ही है, ये काला झंडा दिखाने का मतलब तो कोई भी हमको भी दिखा सकता है, तो क्या जेल भेजो। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको कोई काला झंडा भी दिखा सकता है और इसका स्वागत करना चाहिए आदमी को, हमारे काम का जहाँ प्रशंसा हो रहा है। लेकिन ये लोग को 2-3 के सूट करता है हिंदू नहीं नहीं, देखिए अपर कास्ट बैकवर्ड अपर कास्ट में इनके मजे हैं। देखिए मैम, हम लोग नहीं होंगे नीतीश कुमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, क्योंकि हम ही मौका देते हैं कहीं ना कहीं, हम ही इन लोगों को ऐसे लोगों को ऐसे तत्वों को हम ही लोग मौका देते हैं, इसलिए ये लोग एरोगेंट होते हैं। बिल्कुल, अब तो इनको लगता है हम तो पता अमृत पी के आए हैं, हम तो कोई मार ही नहीं सकता। नहीं रावण को भी यही था, रावण को भी यही था ना। जी जी, वही वही, किसी का अहंकार। और दूसरी बात कि अब हम लोग सोच करके रखे हैं कि किसी के बाप का ना बिहार है ना हिंदुस्तान है। बिल्कुल है, हम सब जन जो इसमें रहते हैं हम सब का हो। हाँ, तो अब इस बार हम लोग तो मतलब एकदम अपना गोलबंद हो चुके हैं, और बिल्कुल इस बार आरजेडी के साथ। और ये आप लोग को भी हम एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए ये कहता है कि 15 साल तो आप इनसे पूछे ना कि आपके 15 साल का अचीवमेंट ही बता दीजिए। बिल्कुल, एक तो अचीवमेंट ही बता दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी बैठ करके चुनाव आया तो यहाँ पे लाखों हजारों करोड़ का शिलान्यास कर रहे कि हम कर देंगे, बिल्कुल हम खेत में पानी पहुँचा देंगे, जिस खेत में पानी हम पानी निकलवा देंगे, बिल्कुल चुनाव बाद फिर कुछ नहीं होगा मैम। हम लोग सब इतना बुद्धिजीवी है इंसान कि हम लोग सब समझते हैं कि क्या है और क्या इनका एजेंडा है। हम लोग सब भुगत चुके हैं, अब इस बार नहीं, इस बार हम लोग पूरा वही बात था कि सभी शिक्षक साथी लोग का भी आप लोग इसलिए पिछले बार भी नियोजित शिक्षकों ने हमारे को इसलिए मदद किया था क्योंकि हम लोग गठबंधन में जी थोड़ी ना मदद नहीं।